परम सम्मानित जनरल पीसी नायर साहब, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, पीएचडी, डायरेक्टर जनरल आसाम रेफल्स और डी साहब के मैम साहब तथा महानिदेशालय शिलोंग से उपस्थित तथा यहाँ सवेरिया के कर्नल वेटरन्स कर्नल सुमित छूर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल डी एस चौहान साहब एवं शिलोंग से आए हुए अरिसा महानिदेशक टीआईसी के वी कार्की साहब, एसओ पेंशन एनी रिकॉर्ड ब्रांच से टीआईसी तरुण कन्वर साहब, लिपिक वर्ग एवं अतिथिगणों का जिला देहरादून के असम रेफर पूर्व सैनिक पूर्व वीर नारी मातृशक्ति की ओर से आज की परस्पर बातचीत कार्यक्रम में मैं बतौर मंच संचालक एवं सचिव अरिसा केंद्र देहरादून आपका सादर सप्रेम अभिवादन एवं हृदय स्थल से स्वागत करता हूँ। अधिकारीगण, जैसे साहिबन, अपने वीर जवान और अपने मंच में उपस्थित अपने वीर नारी बाकी सभी उपस्थित लोगों को मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का वेलकम करता हूँ। इसी तरीका के लिए हमने जस्ट एक इंटरेक्शन, डीजी साहब अपने दूसरे काम के लिए आए थे, बोला मैं अपने एक्सरेंजन से मिलना चाहता हूँ, मेरे को एक घंटे का टाइम चाहिए इनको मिलने के लिए। जो एरेसा से हम अपने एक्सरसमैन को जो ग्रांट देते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है एरेसा 1978 में शुरू किया था, तो हमने बहुत सारे ऐसा जो रूमर्स बोलो है ना, जो बहुत सारे बात सुने हैं जिसमें बोल रहे हैं कि जहां भी एक्सरसमैन रेडी होता है उसमें एरेसा का पैसा खर्चा करते हैं, ये करते हैं, इस टाइप का वर्डिंग आ रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ एरेसा के पैसा से हम कभी वो नहीं करते। जो पैसा लगता है, जो भी खर्चा होता है कहीं भी, वो पैसा हम एआरडीए बोलते हैं, असम रेफरल डेवलपमेंट फंड बोल के एक फंड है, उस फंड से हम खर्चा पानी जो भी होता है वहां से करते हैं। एरेसा में क्या होते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं साल में हम एक बार देते हैं जिसका 9.5 करोड़ के आसपास हमारे पास पैसा मिलता है, जिसमें हम हर महीना अपने एक्सरसाइज को 80 लाख से 90 लाख रुपए हर महीना का हम देते हैं। पिछले एक साल में हमने सिर्फ जो उत्तराखंड में अपने एरेसा से अपने एक्सरसाइज को हमने 22 लाख रुपए हमने बांटे हैं अपने एक्सरसाइज को, जिसमें मेडिकल ग्रांट से, एजुकेशन ग्रांट से, चिल्ड्रन ग्रांट से सब मिला के हमारा उत्तराखंड स्टेट में 5 एरेसा सेंटर है अपने। तो 5 एरेसा सेंटर में जो अपने एरेसा जो मेंबर्स थे, जो एरेसा से जो उनका डॉक्यूमेंट आता है उनको हमने 22 लाख रुपए हमने एक साल के अंदर में हमने बांटे हैं। दूसरा, जो भी पैसा आता है एरेसा का पैसा हम एरेसा अपने एक्सरसाइज को ग्राउंड में ही देते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए, हमें जब हर टाइम हमारे ऊपर वो आ जाता है कि एरेसा का पैसा देके ये एरेसा अनऑथराइज है, पर ये अच्छा नहीं, जो चीज सही होता है वो चीज के बारे में बात करने से ठीक है। इसके अलावा हमने एजीएम, अभी अप्रैल महीना में एजीएम एक मीटिंग होता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है, हर साल होता है एरेसा का आदेश का, इसमें हमने 2-3 ग्रांट्स हमने बढ़ाया। जो भी खर्चा होता है कहीं भी, वो पैसा हम एआरडीएफ होते हैं असम रेफरल डेवलपमेंट फंड बोल के एक फंड है डीजीआर में, उस फंड से हम खर्चा पानी जो भी होता है वहां से करते हैं। एरेसा में क्या होते हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होते हैं साल में हम एक बार लेते हैं जिसका 9.5 करोड़ के आसपास हमारे पास पैसा मिलता है, जिसमें हम हर महीना अपने एक्सरसाइज को 80 लाख से 90 लाख रुपए हर महीना का अपना विडो के लिए, अभी जो उनके बच्चे हैं लड़का हो लड़की उसको शादी जब हो जाता है 30,000 रुपए इस बच्चे के हम देते हैं। इसमें आपका एमबीबीएस है, बीडीएस है या एमटेक बीटेक जो भी है, प्रोफेशनल हायर एजुकेशन कोर्स है, उसके लिए हमने 20,000 कर दिया, 4 साल तक 20-20-20 करके 80,000 तक अपने बच्चों को, एक्सेलेंट के बच्चों को हम देते हैं। ब्रांच के जो ऑफिसर्स है या डेली क्लर्क है उनसे बात कर सकते हैं हम लोग। बाकी आज के बेसिकली जो अपने एक्सेलेंट या कच्चा होने का मेन वो था, पिछला साल हमने एक्सेलेंट रेडी किया था, तो डीजी साहब अपने काम के लिए आए थे, बोला कि ठीक है मैं अपने एक्सरसाइज से मिलना चाहता हूँ, उनसे इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, मेरे पास एक घंटे टाइम है, एक घंटे के अंदर मिलता हूँ। आप लोग सब आए, आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।
अफसर साहब जो सामना कर रहे हैं, क्योंकि कल सुमित साहब, कल धर्मेंद्र साहब और बाकी मौजूद जो है यहाँ पे पूर्व अफसर साहब, सैनिक, वीर नारी और बाकी फैमिली जो आज यहाँ पे हाजिर है, सबसे पहले मेरा आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से। आपको बताया गया ये पिछले एक साल में मेरा ये दूसरा विजिट है यहाँ पे और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ के क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में हमारे सबसे ज्यादा सबसे अधिक एक्सपर्ट्समैन उत्तराखंड के। सबसे खास मुद्दा यही था आप सबको आपके बार में दोबारा मिलना चाहता था और जैसे आपको पहले बताया गया था पिछले साल जब हम आए थे कुल आपके तरफ से 26 पॉइंट मेरे पास आए थे 26। मैं इसमें सिर्फ फोर्स की तरफ से क्या हो सकता है उन पॉइंट्स के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, पर्सनल चीजें तो और थी लेकिन वो जो 26 बिंदु या पॉइंट आपकी तरफ से आए थे मुझे खुशी हो रही है। मेरे साथ जो टीम आई है कार्की साहब और जो पिछले बार आए थे पटनायक साहब, इन्होंने ये सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया है, मतलब सारे सॉल्व या हल हो चुके हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि आपको कि पीजी साहब काफी बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है, मैं साहब को कहना चाहता हूं ये बात उन्होंने गलत कही, आपके लिए मेरे पास थोड़ा समय है। काउंटर भी आप देख रहे हो, एक टीम आई है वहां से शिलांग से और ये जब तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके हर एक के पॉइंट इनके पास लिखे नहीं जाएंगे। कुछ एक दिक्कतें जो हमें आई थी पिछले बार यहां से जाने के बाद और अन्य पहली में से भी हम जब जाते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं वो हमारे पास आते नहीं है, इसलिए आपकी जो जो समस्या है वो दूर नहीं की जा सकती। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रहित एवं संस्था के हित में को सर्वोपरि रखते हुए जो आप लोगों ने कार्य किया था ये हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे साहब ने आपको पहले बताया आज का सैनिक कल का भूतपूर्व सैनिक, तो हम सबको आपके स्थान पे कभी ना कभी पहुंचना ही है। मेरा तो समय अभी कम है, अगले साल मैं उस तरफ होऊंगा, कोई और पीजी साहब यहां आ जाएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम इन सर्विस से। हमारी कोशिश यही होगी कि आपको जितना ज्यादा आपकी हम मदद कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। एक और वेलफेयर के लिए जो हमने स्कीम शुरू किया था, बल्कि मेरे से पहले पीजी साहब ने शुरू किया था कि हर एक वीर नारी को किसी एक असम राइफल कार्डर ऑफिसर के अंडर में सुपरविजन में रखना, तो हर असम राइफल कार्डर के जो ऑफिसर हैं उनके पास 4 या 5 वीर नारी की डिटेल्स हैं और हमारे असम राइफल कार्डर के ऑफिसर इनके साथ लगातार मिलाप रखते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी वीर नारियां हैं जिनका डिटेल किसी असम राइफल कार्डर ऑफिसर के पास ना गया हो जरूर अपने अरे साहब देहरादून को बता देना, हम ये डिटेल यहां से लेके जाएंगे। एक और चीज जो हमने पिछले अभी 8-9 महीने से शुरू किया है, हर यूनिट में हर यूनिट का कोई ना कोई जवान होता है जो कभी ना कभी ऑपरेशन में शहीद हुआ होता है, तो जिस जवान का शहीदी दिवस किसी भी दिन आ जाए तो उस दिन उस पलटन के सीओ साहब, अगर सीओ साहब नहीं है तो एसी साहब और सूबेदार मेजर साहब जाके एक रीच नहीं करते हैं, ताकि इसके साथ साथ अभी वाली जो पीढ़ी है, अभी वाला जनरेशन ये पता चले कि हमारे पलटन में किन्होंने अपने जान की कुर्बानी की है। तो हम इस पे 1962 ऑपरेशन वाले तक, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो हमारे शहीद हुए हैं जो आज तक आज की तारीख में 1181 है, इनके लिए कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले की डिटेल्स हमारे पास है नहीं। तो ये जो हमने स्कीम शुरू किया है ये पलटन में बहुत अच्छी तरह से रिसीव हुआ है और इसके साथ साथ जो बटालियन स्पिरिट जो हम कहते हैं ये काफी हद तक बढ़ चुका है।
इसके साथ साथ मैं हर सीओ साहब को यही बताता हूँ जब भी उनके यूनिट में जाता हूँ कि अपने भूतपूर्व सैनिक ऑफिसर जो भी आपके यूनिट में सर्व कर चुके हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल लो, और जब भी यूनिट कोई अच्छे लोकेशन में आ जाए रेजिंग डे या किसी और फंक्शन में जरूर बुलाइए। और आपके तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए जब तक आप चल सकते हो फिर सकते हो मौका मिलने पर जरूर थोड़ा सफर कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आइए और अपने पलटन के साथ मिला रखिए। साहब ने आपको कुछ पॉइंट बताया होंगे इस साल हरी साहब जो हमारी एक एनुअल हर साल एक मीटिंग जो होती है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें सारे आईजी साहब आते हैं सेक्टर कमांडर साहब आते हैं, तो कार्की साहब ने बताया होगा लेकिन ये मैं दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ कि ओल्ड एज ग्रांट जो पहले 25,000 होता था वो हमने इस साल से बढ़ाकर 35,000 किया है। एजुकेशन ग्रांट जो पहले 5,000 होता था वो बढ़ाकर हमने 10,000 किया है। हायर एजुकेशन उसी प्रकार से 10,000 से उसको बढ़ाकर 20,000 किया है। और मैरिज एज ग्रांट जो कि पहले सिर्फ लड़कियों के लिए होता था अभी किसी भी बच्चों के लिए 2 बच्चों तक 20,000 से बढ़ाकर हमने 25,000 तक किया है। और ये जो मैं कंपेटिटिव ग्राउंड एडी की बात कर रहा था वो 5% होता है मतलब 5%, तो इस साल के जो आंकड़े हैं वो मैंने आपको बताया लेकिन इसके बाद जून के बाद भी कुछ और भर्ती होगी तो कुल 100-150 वैकेंसियां और आएंगी इस साल की। तो जो भूतपूर्व सैनिक अपने बच्चों को भर्ती कराना चाहते हैं और साथ साथ आपको बताया कि महिला सोल्जर्स भी हमारी काफी आ गई है, हमारे पास ऑथराइज स्ट्रेंथ 2,500 की है इस समय, ट्रेनिंग सेंटर में और पलटनों में मिलाकर कुल 1,300 महिला हैं, कुछ 1,200 महिलाएं और अगले 2-3 साल में आ जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा एक हमने भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल दिया है कुछ और बटालियन बढ़ाने का, 5 बटालियन हम बढ़ाना चाहते हैं, 5 नए बटालियन, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स हमारे टास्क अब बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता है अभी मणिपुर में एक केस चल रहा है लेकिन सिर्फ मणिपुर नहीं, अगर हम नॉर्थ की तरफ भी देखें चाइना की तरफ तो वहां भी हमें ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए फोर्स की बढ़त करने की जरूरत है। अंत में एक बार फिर आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग दूर दराज से आए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए, और खास धन्यवाद जो साहब लोग बाहर से अपना समय काट निकालते हैं सुमित साहब धर्मेंद्र साहब और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने ये काफी शॉर्ट नोटिस में मैंने मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही हमने फैसला किया था यहाँ आने का और इतने शॉर्ट नोटिस में इतने सब लोग यहाँ हाजिर आए, फैमिली वीर नारियां आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर इसके बीच में जो है किसी का कोई क्वेश्चन हो जो जीजी साहब ने जो क्लियर करने हो या आप लोगों ने पूछना हो तो आप जो है पूछ सकते हैं बेझिझक अपना परिवार सोच करके, तो आप अगर उनसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, स्टाफ ऑफिसर से पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। सिग्नल थोड़ा कॉर्डेस दे दीजिए अपने जगह से। हाँ सभी के हित के बाद 17-17 नायक धन सिंह और 18वीं बटालियन। महोदय हमारी पेंशन में यह है कि एक हौलदार 24 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन बेसिक पेंशन 10,800 और एक हौलदार 20 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन 12,200 बेसिक, इसमें यह अंतर है। एक हौलदार 34 साल सर्विस करता है उसकी पेंशन 33,000
एक सुनार में जान 44 साल नौकरी करता है, उसकी पेंशन कितनी 30,000, ये हो क्यों? इस पर जो है विचार करिए, अगर इस पर विचार करके हमारा सबका समाधान हो जाता है बहुत अच्छा, धन्यवाद। शायद वन रैंक वन पेंशन के बारे में यही आप वन रैंक वन पेंशन नहीं है सर, ये जो पुरानी पेंशन में ही अंतर है, वन रैंक वन पेंशन नहीं। आप कह रहे पेंशन में फर्क है जी, जो 18 साल सर्विस करता है और जो जिसका 20 साल सर्विस है उसका टोटल पेंशन है 17,500 और 24 साल सर्विस, मैंने 24 साल सर्विस किया मेरी टोटल पेंशन है 15,000, 20 साल वाले का 17,500, 24 साल वाले का। साथ में आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जिस समय में आप पेंशन निकले थे उस समय फिफ्थ पे कमीशन चल रहा था, और जिसकी वन रैंक की बात कर रहे हो अभी सेवन रैंक पे, सेवन पे कमीशन चल रहा है, जो फिफ्थ पे कमीशन में निकला और सेवन पे में, उसका पेंशन में तो अंतर होगा सर। हाँ, क्योंकि बेसिक पे में भी, क्योंकि आप जब निकले थे उस समय में आपका कौन सा पे कमीशन चल रहा था सर? फोर्थ पे कमीशन। हाँ, फोर्थ पे कमीशन और सेवन पे कमीशन में तो अंतर तो होगा सर। महोदय, जब मैं पेंशन आया गंभीर बहादुर मेरे साथ एक साथ भर्ती हुए, एक साथ ट्रेनिंग किया, एक साथ पेंशन आए, उसी टाइम पर भी वहाँ पर हमारे साथ में बहुत वो, उसकी पेंशन उस टाइम पर पैसा कम था, उसकी पेंशन 600 रुपया और मेरी पेंशन 500 रुपया, वहीं पर से जो है अप डाउन हो जाता है। उस टाइम पर सिविल बैठिए, आप बैठिए, आपका इंडिविजुअल पॉइंट आप मतलब उसी पे आगे कि आपका इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है, आप किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, वो हम देखेंगे, हम नोट करेंगे। जो आप कह रहे हैं ना, आपके साथ ही जो बढ़ती हो, आपके साथ ही जो बार हुआ उस समय 100 रुपये का फर्क था, जो बढ़कर अब ज़्यादा हो गया, तो हम ये इंडिविजुअल केस आपका देख लेंगे। आपके डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए, आपके साथ हम संपर्क करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिविजुअल पॉइंट जहाँ तक हो वो एक हमारा काउंटर पीछे खुला है, हमारा स्टाफ बैठा है, उनको लिखाइए और यहाँ पे दो साहब लोग भी ये भी हैंडल करेंगे, लेकिन आप ऐसे पॉइंट मुझे बताइए जो सबके हित में, यहाँ से एक दो उनको सैनिक बोलना चाहते हैं। श्रीमान एक्सवाला नारायण सिंह बिस्ट, मैं कुमाऊं के रुद्रपुर से अच्छे आया हूँ सर। मैं मेजर जनरल वी एस कार्णिक साहब की तरफ से आपको एक मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, कृपया ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मेमोरेंडम दे दीजिए आप जी, धन्यवाद। और मेरा दूसरा एक पॉइंट एक अनुरोध है आपसे सर, क्योंकि मैं रुद्रपुर शहर पर रहता हूँ, तो वहाँ पर हमारी एक वीर नारी जो आपने पिछली बार आपने अभी जैसे बताया था कि आपस में मिलना चाहिए, शहीदों का सम्मान होना चाहिए, आपने किया था बहुत अच्छा काम, जो सब लोग देखा हिंदुस्तान में देखा अपने असम राय को पता चला कि आपने शहीद दिवस मनाया वहाँ पर, वो हमारी वीर वधु वहाँ पर आई भी थी हेमलता जी, तो वो शायद आपसे बातचीत भी किया है, तो ठीक है, थैंक यू। 1990 में